कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि इन लास्ट डेज में नॉर्सेट के लिए क्या पढ़ा जाए, क्योंकि देखिए नॉर्सेट के लिए यहाँ पे जो प्री एग्जाम है उसके कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो इन कुछ दिनों में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन कैरी किए होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिगिनर्स के लिए आप सभी जो मतलब पहली बार यहाँ पे नॉर्सेट में अपीयर होने जा रहे हैं, उन सभी को जैसे कि पता है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न में आप सभी को पता है, जैसे प्री हो या मेंस, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने वाले हैं, प्री में भी और मेंस में भी। प्री हो या मेंस, इसके हर जो 100 क्वेश्चंस हैं वो 5 सेक्शंस में यहाँ पे क्या है बटे हुए होंगे, और हर एक यहाँ पे सेक्शन के लिए 18 मिनट्स मिलेगी, 20 क्वेश्चंस और 18 मिनट्स। इस तरह से 20 क्वेश्चन इस तरह से 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे, और एवरी सेक्शन यहाँ पे 18 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, साहब, सॉल्व करना है। आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन जो 20 क्वेश्चंस का है उसको ही देख सकते हैं और उसी को आंसर दे सकते हैं। जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट होएंगी आप दूसरे सेक्शन में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, पिछले वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली सीक्वेंस वाइज 5 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। यहां पे एक बार पूरा हो जाने के बाद, फिफ्थ सेक्शन के बाद, आप वापस पीछे की तरफ आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सेक्शंस को ना तो देख सकते हैं ना आंसर दे सकते हैं। आपको ये पैटर्न तो अभी तक पता चल ही गया होगा, इस तरह से एग्जाम होने वाली। तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न से फेमिलियर होना है, तो आप सभी को पता चल गया होगा। बात करते हैं कि साहब इन लास्ट डेज के अंदर, इस एग्जाम के अंदर हम क्या पढ़ें। कुछ ही दिन यहाँ पे प्री के यहाँ से शुरू गए हैं, उसके कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे मेंस होने वाली है, तो यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए या लास्ट डेज के अंदर स्टडी के लिए कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। अगर हाँ, अभी तक आपने एक नोटबुक और पेन साथ में नहीं लिया है, तो देखिए आप उसको पहले ले लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को क्या करिए, रिज्यूम करिए। हम बात करेंगे कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। तो नंबर वन में यहां पे लिखूंगा आप सभी को फीटल सर्कुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो फीटल सर्कुलेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर किस लेवल पे कितना परसेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कितना सेचुरेशन होता है उस ब्लड का, 40%, अम्बिलिकल वीन में कितना परसेंट होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज में कितना होता है, हार्ट में पहुंचने के बाद कितना हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये अम्बिलिकल आर्टरीज, वीन्स, इनका क्लोजर कब होता है, फोरामन ओवल का क्लोजर कब होता है, इनका टाइमिंग्स। तीसरा, एक बार ये क्लोज हो जाते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं चेंज होने के बाद, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन, यहाँ पे मेटर्निटी और पीडियाट्रिक दोनों के एस्पेक्ट से इसको आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैं बात करूंगा एक्यूट रूमेटिक फीवर। देखिए एक्यूट रूमेटिक फीवर का कॉज, इसका डायग्नोसिस क्राइटेरिया के अंदर जोन्स क्राइटेरिया, इसके कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहां पे एक्यूट रूमेटिक फीवर को आप जरूर पढ़िएगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस इसके होते हैं, ठीक है। सेकंड यहां पे टॉपिक होगा एक्यूट रूमेटिक फीवर। थर्ड है यहां पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उनके क्या कॉजेस हैं, क्या इनके टाइप्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ओकल्टा क्या है, मेनिंगोसील क्या है, माइलोमेनिंगोसील है, ये क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन यहां पे कौन सा देखने को मिलता है, क्या इसके कॉजेस होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड में, फोर्थ में अगर यहां बात करता हूं, वो है क्लब फूड। देखिए फ्रेंड्स, क्लब फूड के अंदर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन क्लब फूड क्या है, ठीक है, और इसके जो रिलेटेड यहां पे टर्मिनोलॉजी होती है कि इक्विनोवेरस क्या है, इक्विनोवल्गस क्या है, टेलीपेज, ठीक है, ये टेलीपेज वेरस क्या है, टेलीपेज वल्गस क्या है, ये सारी की सारी जितनी जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है क्लब फूड की, वो आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो पूछ ली जाती है, ठीक है, तो आपको इसको जरूर कवर करना है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट के अंदर से देखिए, यूजुअली यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर कब लिप और पैलेट कब बनते हैं, नॉर्मली कब बनते हैं, और क्या दिक्कत आती है, किस कारण से ऐसा होता है कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बन जाते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की क्या सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद किस टाइप के फ्यूचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग कंसर्न्स होते हैं, किस टाइम पे सर्जरी की जाती है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन। देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन में से एक माइलस्टोन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के इन लास्ट डेज के अंदर देखिए ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इनको एक बार जरूर आपको आंखों के नीचे से निकालना है। अगर आपने पढ़ रखी है ये सब चीजें तो एक बार रिवाइज करना, और नहीं पढ़ रखी है तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक की बात करूंगा मैं, वहां पे है इम्यूनाइजेशन। देखिए
सभी प्रकार के इम्यूनाइजेशन है जिनके अंदर वैक्सीन होती है, वैक्सीन के क्या सॉल्वेंट्स होते हैं, क्या रिकॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्लूड्स होते हैं, क्या इनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या इनके यहाँ पे क्या होते हैं रूट्स होते हैं, क्या इनके अंदर एडजुवेंट्स मिलाए जाते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रग कब लगती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको छोड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉन्डिस, जॉन्डिस के दोनों टाइप्स, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, दोनों के क्या क्या कारण है सेपरेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे जॉन्डिस के साथ ही जो फोटोथेरेपी आती है वो आपको जरूर पढ़नी है। फोटोथेरेपी में कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज किया जाता है, किस कलर का लाइट यूज किया जाता है, बॉडी को उस लाइट से कितनी दूरी पे रखा जाता है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आंखों को, गोनेड्स को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां कैरी किए होता है ये जॉन्डिस और फोटोथेरेपी। इसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो छोटा सा होता है वो आपको पढ़ना होता है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ईबीटी, वो भी आपको जरूर कवर करना है। तो जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं वो है ब्लड डिसऑर्डर्स। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर यहां पे ल्यूकेमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और हेमोफीलिया हो गया। ये चारों प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। इनके अंदर कौन सा सेक्स लिंक्ड होता है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं, किसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किसके अंदर क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट नर्सिंग कंसर्न होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसके ड्रग ऑफ चॉइस है, किस प्रकार के यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपको जरूर ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा वो है कम्युनिकेबल डिजीजेस की। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर सभी के सभी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनके इंक्यूबेशन पीरियड्स, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनका स्पेशल फीचर्स आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको इनको जरूर कवर करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी कम्युनिकेबल डिजीजेस के इंक्यूबेशन पीरियड्स और ये सब चीजें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है विवेक जैन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की बुक आती है विवेक जैन की, उसके अंदर शुरू में यहाँ पे 22 के अराउंड टेबल्स हैं, ठीक है। और वो एनेक्सर्स जो टेबल्स हैं वो आपको इन सभी के अंदर, उस टेबल के अंदर यही मिलता है कि पहली जो टेबल है उसके अंदर सभी डिजीजेस के इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं, नेक्स्ट टेबल है उसके अंदर सभी डिजीजेस के क्या हैं साहब, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिलेंगे, उसके आगे क्या मिलेंगे साहब, बहुत सारे जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स है वो कब आया, ठीक है, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, ये सभी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो साहब बहुत सारे एजेंसीज, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज है वो आ जाती है। तो इस तरह से 22 टेबल्स के अंदर बहुत सारा कम्युनिटी का अराउंड 80% ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है। तो विवेक जैन अगर बुक किसी के पास मिल जाती है तो उसकी शुरू की जो एनेक्सर्स हैं 20-22 के अराउंड एनेक्सर्स हैं वो जरूर आपको पढ़नी है। उसके अंदर ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड्स, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनके स्पेशल फीचर्स वो आपको सब इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूँ वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो न्यू गाइडलाइंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर मान लीजिए अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा, मैंने चैनल पे एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का वीडियो डाला है, उसको जरूर देखिएगा। आपके जितने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं उस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। आपको ये वीडियो जरूर देखना है क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में से एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं कि ब्लड बैग साहब किस में डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सभी के सभी हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स में से बहुत बार एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, ठीक है, इंडियन लूनेसी एक्ट कब आया, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हेल्थ प्लानिंग कमेटीज की। देखिए फ्रेंड्स, एक जो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी हेल्थ प्लानिंग कमेटीज एक छोटे से निमोनिक से समझा दी थी कि साहब कौन सी हेल्थ प्लानिंग कमेटी कब आई थी और इसके क्या रिकमेंडेशंस हैं, उस एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको ये सभी हेल्थ प्लानिंग कमेटीज विद इन मिनट्स के अंदर आपके दिमाग के अंदर पूरी तरह से बैठ जाएगी। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है। और ये हेल्थ प्लानिंग कमेटीज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं मिलता है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को भी डाल दूंगा, आपको जरूर दे रखना है एग्जाम से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। देखिए आगे की तरफ अगर बात करते हैं, सबसे पहले अब नेक्स्ट बात करूंगा वो है साहब इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट्स और ओटी और आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट्स, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने यहाँ पे चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उसको जरूर देखिएगा। एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स हर बार उसके अंदर से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ओबीजी के और ओटी आईसीयू के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने वहाँ पे कवर किए हैं, तो आपको ये जरूर देखना है। अगर ये वीडियो नहीं मिलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है कास्ट, ट्रैक्शंस और स्प्लिंट्स। देखिए फ्रेंड, हेलो ट्रैक्शन किसके उपयोग में लिया जाता है, डनलप ट्रैक्शन किसके लिए यूज में किया जाता है, गेलो ट्रैक्शन का कैसे उपयोग किया जाता है, किस कंडीशन में इसको उपयोग किया जाता है, क्या इंडिकेशन है इसका, थॉमस स्प्लिंट कैसा होता है, ब्राउन स्प्लिंट कैसा होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, ये ट्रैक्शन कौन सा ट्रैक्शन है, ठीक है। तो कास्ट, ट्रैक्शंस और स्प्लिंट्स ये आपको जरूर पढ़ने हैं, साथ ही साथ अगर इसके साथ पढ़ना चाहो क्रच वॉकिंग जरूर पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है, पर आपको जरूर कवर करना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्रेनियल नर्व्स की फंक्शनिंग, कौन सी क्रेनियल नर्व्स की फंक्शनिंग को किस तरह से चेक करते हैं, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल अल्ट्रेशंस के कारण किस प्रकार के रेस्पिरेशंस देखने को मिलते हैं, चाइनीज टॉक्स रेस्पिरेशन, एपनोस्टिक रेस्पिरेशन, एटैक्सिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशंस होते हैं तब कौन से ब्रेन के एरिया में डैमेज होने के कारण होते हैं साहब। कुछ पोस्चर्स होती है साहब, डीकोर्टिकेट पोस्चर, डीसेरेब्रेट पोस्चर्स, ये सब चीजें। मेनिंजल इरिटेशन के साइंस होते हैं, ब्रुजिन्स की साइन, कर्निंग साइन, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि बाबिन्स की रिफ्लेक्स, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्सेस किस नर्व के यहाँ पे डैमेज होने के कारण होती है, तो इस तरह से देखिए न्यूरोलॉजिकल। और इसके बाद बात करें ग्लासगो कोमा स्केल की, ग्लासगो कोमा स्केल, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स बहुत सारा, बहुत बड़ा होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, पर आपको कवर जरूर करना है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। मेनली जो क्वेश्चन देखा जाता है ग्लासगो कोमा स्केल में से देखा जाता है, पर वो आपको जरूर कवर करना है। मैं ये कहता हूँ कि पूरा का पूरा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे मेनिंजियल इरिटेशन के साइन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ब्रुजिन्स की साइन, कर्निंग साइंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो वो है साहब एस्पिरेशंस और बायोप्सी। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी एस्पिरेशंस हैं यहाँ पे और बायोप्सीज है, लिवर बायोप्सी हो गया, रीनल बायोप्सी हो गया, ठीक है, तो इन सभी बायोप्सीज के अंदर इसके अलावा जितने भी एस्पिरेशंस है जैसे कि लंबर पंक्चर हो गया, सिस्टर्नल पंक्चर हो गया, यहाँ पे एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस हो गया, थोरासेंटेसिस हो गया, तो सभी के सभी एस्पिरेशंस और बायोप्सीज, इन सभी की कौन सी प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होती है उनमें कौन सी पोजिशन दी जाती है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लिया जाता है, क्या इक्विपमेंट यूज किया जाता है, कौन सी टाइप की नीडल यूज करी जाती है, वो सब। इसके अलावा आफ्टर केयर करने के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है और आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देनी है, वो भी आपको पता रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एस्पिरेशंस और बायोप्सीज में पोजिशंस का और नर्सिंग केयर का, दोनों का, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो यूज किया जा रहा है उसका, तीनों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से सभी बायोप्सीज और एस्पिरेशंस के अंदर ये सब तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूंगा तो वो है साहब वाटर सील ड्रेनेज। वाटर सील ड्रेनेज में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, नॉर्सेट में स्पेशली। देखिए नॉर्सेट के अंदर यहां पे जो वाटर सील ड्रेनेज होती है तो वहां पे कंटिन्यूस बबलिंग देखने को मिल रही है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे इंटरमीटेंट बबलिंग देखने को मिल रही है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है साहब नॉर्मल लैब वैल्यूज। नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज एग्जाम में पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर वो पूछी जा रही है नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू जी। जैसे कि मैं अगर बात करूँ साहब किसी क्लाइंट की पीटीएनआर वैल्यू साहब 12 है, तो नर्स क्या करेगी साहब, इनको डॉक्यूमेंट करेगी साहब, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे लेगी साहब, उस दवा को कम कर देगी साहब, दवा को ज्यादा बढ़ा देगी साहब, तो ये इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन है वो किससे डिपेंड कर रहा है, किस पे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे लेबोरेटरी वैल्यूज। अगर आपको नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज पता है सभी चीजों की, तो आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भले किसी भी तरह से पूछे जाए, आपको वो सब के सब आप उनको क्या कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आज तक अगर किसी को ये नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज याद नहीं हुई है, और याद हो भी जाती है तो कुछ दिन में ही भूल जाता है, तो मैंने यहाँ पे चैनल पे एक वीडियो डाला है लेबोरेटरी वैल्यूज का, आप उसको देखना मत भूलिएगा। मैं उसको जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज का वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कहूंगा कि हाँ साहब सिरोसिस ऑफ लीवर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर बॉडी का हर एक सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसको हम क्रॉनिक लीवर डिजीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो डिजीज आपको जरूर कवर करनी है साहब, ये आपके इसके अंदर इसके बॉडी के हर एक सिस्टम के अंदर अफेक्ट होने के कारण क्या
साइन एंड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर के टाइप्स क्या हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशनल सिरोसिस, लेनेक्स सिरोसिस, ये क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो एक और डिजीज अगर जीआईटी के अंदर से आपको मैं बताऊं तो वो होगी सीआईबीडी, ठीक है, क्रॉनिक इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसके अंदर आप सभी को पता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज आती है, जिनके अंदर दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितना फ्रीक्वेंसी से डायरिया हो रहा है, किसमें क्या यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है, किसमें ब्लड हो रहा है, किसमें पस हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूँ रीनल सिस्टम में से, तो रीनल सिस्टम में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है सीकेडी या सीआरएफ, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक रीनल फेल्योर। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉनिक रीनल डिजीज सीकेडी या जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर है उसके अंदर से देखिए, आप सभी को पता है कि इनके अंदर जो यूरेमिया के जो फीचर्स होते हैं बॉडी के हर एक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो उन सभी सिस्टम के अफेक्ट होने के कारण जो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स है उनमें से बहुत बार पूछा जाता है, मेनली एस्टरेक्सिस को पूछ लिया जाता है, हेमेंजियोमास पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी को ये चीज़ पता होनी। साथ ही साथ इसके जो ट्रीटमेंट के लिए हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस जो उपयोग में किया जाता है उसके बारे में भी आपको पूरा गहन अध्ययन करना है। साथ ही साथ जो इसके ट्रीटमेंट के दौरान बनाए जाने वाले फिस्टूला होते हैं, ग्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब मेच्योर होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को कैसे चेक किया जाता है, थ्रिल और ब्रूट साउंड को कैसे सुना जाता है, आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम क्या है, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसके अंदर से बनते हैं और आप सभी लोगों को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल के अंदर से वो है साहब सीआरएफ या सीकेडी। इसके अलावा आप इसके अंदर से और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगर आप देखते हैं कि ये हमारे को पढ़ना चाहिए वो है स्टोन। सब सभी प्रकार के स्टोन आपको पता होने चाहिए, रेडियो लूसेंट स्टोन कौन से, रेडियो ओपेक स्टोन कौन से हैं, किस स्टोन में कैसी डाइट दी जाती है किस स्टोन को, ठीक है साहब, किसी स्टोन को किस तरह से हम यहाँ देखते हैं एक्सरेज के अंदर पता लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो रीनल सिस्टम में सेकंड वो है साहब स्टोन्स। यहाँ पे बात करूँ अगर मैं बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक जिसकी है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ पूछा जा सकता है, परंतु यहाँ पे अगर मान लीजिए तीन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर, अगर आप तीन कैंसर्स को पढ़ लेते हो यहाँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं, जैसे एक सर्वाइकल कैंसर है तो साहब इसमें पेप्समेयर हो गया, यहाँ पे एचपीवी वायरस हो गया साहब, इसके कॉजेज हो गए साहब, इसका वैक्सीनेशन का गार्डासिल का जो क्वेश्चन आया वो हो गया, यहाँ पे पेल्विक एक्सेंट्रेशन जो इसकी यहाँ पे सर्जरी करते हैं उसका हो गया, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसी तरह से ब्लड जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, इसके टाइप्स हो गए, पेजेट्स डिजीज क्या होती है साहब, ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है साहब इसके अंदर यहाँ पे जो बायरेट स्कोरिंग होती है वो क्या होती है साहब, क्या इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किस उम्र में कौन सी ड्रग दी जानी चाहिए, ये सब चीजें, मैं स्ट्रक्चर के बाद क्या केयर करी जाती है, हाथ की क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह आपसे पूछ ली जाती है। लंग कैंसर में से भी इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑन्कोलॉजी के अंदर से अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे तीन कैंसर जरूर पढ़ने हैं, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। अब बात करते हैं साहब रेस्पिरेटरी में से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगर इंपॉर्टेंटली कहूँ कि एक टॉपिक है अगर एक कोई बड़ी चीज पढ़नी है तो वो है सब ट्यूबरकुलोसिस और मॉन्टेक्स टेस्ट। देखिए ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ही आता है मॉन्टेक्स टेस्ट भी। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है आपको देखिए यहाँ पे जो कम्युनिटी एस्पेक्ट है उससे भी कवर करना है, साथ ही साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एस्पेक्ट से भी इस ट्यूबरकुलोसिस को कवर करना है, ठीक है साहब। तो ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस और मॉन्टेक्स टेस्ट। नेक्स्ट अगर एंडोक्राइनोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो साहब डायबिटीज मिलिटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायबिटीज मिलिटस जो है इसके अंदर देखिए जो इसका टाइप्स, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट में उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन, इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स, डॉन फाइन फिनोमिना, सोमोगाई फिनोमिना, इसके अलावा और जो टाइप टू के लिए जो उपयोग में लाई जाती है साहब ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स, इन ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स को खाने से पहले दी जाती है, कौन सी खाने के बाद दी जाती है, कौन सी खाने के साथ दी जाती है, इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। HHNS क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें कैसे किस तरह से इनको डील किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन के टाइप्स जो होते हैं साहब लिसप्रोग्लाइसिन, ये कैसे होते हैं साहब, इनका कब पीक टाइम होता है और कितने टाइम तक ये कितने ड्यूरेशन तक काम करते हैं, तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। इंसुलिन रेगुलर और अगर न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्डोम जो होता है N, R और N में से अगर किसी को सीरीज में अगर भर रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन बहुत बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एंडोक्राइनोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज मिलिटस उसी में से पूछा जाता है वो भी।
बात करें साहब CVS की कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में से, तो देखिए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करूं मैं, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में से जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं CPKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिंस, ठीक है, AST, ये जो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये LDH, ये सब चीज़ें जो होती है, ये सारे के सारे कार्डियक मार्कर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन यहाँ पे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, री इन्फ्रैक्शन जो हो गया तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको ये कवर करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ साहब और CVS में से क्या पढ़ना है, तो नॉर्मल ECG और ECG के साथ उस ECG के एबनॉर्मलिटी, जिसको हम डिसरिदमिया या एरिदमिया कहते हैं वो, तो उस एरिदमिया डिसरिदमिया को पढ़ना है और नॉर्मल ECG पढ़नी है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे साहब और क्या पढ़े, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस यहाँ पे जरूर आपको कवर करने हैं। अब बात करते हैं साहब यहाँ पे न्यूरोलॉजी में से सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर्स के अंदर से देखिए फ्रेंड्स, सीजर्स के अंदर जो पैटर्न होता है GTCS का, सीजर्स का हिसाब, सबसे पहले ओर आता है, फिर टॉनिक आता है, फिर क्रोनिक सीजर आते हैं, फिर बाद के अंदर रिलैक्सेशन फेज आती है। ये जो पैटर्न होता है, इसके साथ ही साथ जो ड्रग्स दी जाती है वो, इसके अलावा मैं अगर यहाँ न्यूरोलॉजी में से कहूँ तो वो है स्पाइनल इंजरी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पाइनल इंजरी के अंदर आप सभी को पता है कि किस लेवल पे इंजरी के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल शॉक क्या होता है, स्पाइनल हाइपर रिफ्लेक्सिया क्या होता है, ठीक है साहब, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से बात करूँ सेरेब्रोवेस्कुलर अटैक या जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज आपको जरूर करनी है साहब, स्पाइनल इंजरी और CVA यहाँ पे जरूर पढ़ना है। अगर बात करी जाए कि साहब मस्कुलोस्केलेटल में से, तो साहब आर्थराइटिस जो तीनों प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, गाउटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस, तीनों के अंदर डिफरेंसेज, तीनों में जो स्पेशल फाइंडिंग्स जो देखने में, हेबरडंस नोड्स किसमें देखने को मिलते हैं, बुकार्ट्स नोड्स किसमें देखने को मिलती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी किसमें देखने को मिलती है साहब, ये सब चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये कवर करना है जी। अगर ऑप्थेल्मो और यहाँ पे ENT की बात करें, तो ENT में से मेनियर्स डिजीज और ओटोस्क्लेरोसिस, ये आपको जरूर पढ़ना है। साथ ही साथ ऑप्थेल्मो की अगर बात करें, ग्लोकोमा आपको कवर करना ही है। बर्न की बात करूं तो साहब बर्न के अंदर से देखिए, बर्न में दो प्रश्न जो होते हैं, एक तो रूल ऑफ 9 का जो कैलकुलेशन होता है वो, और एक फ्लूड का कैलकुलेशन जो होता है पार्कलैंड फॉर्मूला वो, ये इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। पर मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि एग्जाम से पहले लास्ट डेज के रिविजन की बात करी जाए, तो पूरा बर्न आपको विद इन मिनट्स में, आप घंटों में कवर होने वाला टॉपिक है, 1-1.5 घंटे में ये कवर हो जाता है, तो आपको ये जरूर कवर करना है साहब। अगर और बात करें साहब कि इंपॉर्टेंटली आप OBG के अंदर से देखिए, टेरोटोजेनिक ड्रग्स जो होती हैं, सभी प्रकार की टेरोटोजेनिक ड्रग्स आपको जरूर पढ़नी है। कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी चैनल पे डाला हुआ है जिसके अंदर टेरोटोजेनिक ड्रग्स को मैंने कवर किया है, और किन ड्रग्स के कारण क्या यहाँ पे टेरोटोजेनिक इफेक्ट बच्चे में देखने को मिलता है, वो मैंने वीडियो डाला हुआ है। वो सारी एक ही वीडियो के अंदर सारी ड्रग्स हैं, आप जरूर उस वीडियो को देखना, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डाल दूंगा, तो आपको जरूर कवर करना है। बात करूं नेक्स्ट तो साहब प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव साइंस, प्रोबेबल साइंस और प्रिजम्पटिव साइंस, ये कौन कौन से होते हैं, इनमें सभी लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कई लोग होते हैं प्रोबेबल साइन को पॉजिटिव बता देते हैं, पॉजिटिव को प्रिजम्पटिव बता देते हैं, पर यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर एक बहुत ही छोटा सा निमोनिक यहाँ पे डाला है, एक एक्रोनिम बना के आपके लिए डाला है, पेश किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। आप जीवन में कभी भी पॉजिटिव, प्रोबेबल और प्रिजम्पटिव साइंस के अंदर क्या है किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे लाइफ लॉन्ग, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे साहब और क्या पढ़े, तो एबॉर्शन और MTP का एक्ट, ठीक है, अबॉर्शन के टाइप्स जो होते हैं वो और उनके अंदर किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो, तो साथ ही साथ MTP का एक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो साहब एमनियोटिक फ्लूड और प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूड के नॉर्मल फीचर्स प्लस एमनियोटिक फ्लूड के एबनॉर्मल फीचर्स, जैसे कि साहब टाइप की अगर एमनियोटिक फ्लूड का कलर इस तरह का हो गया, टॉबे का जूस हो गया, RH इनकम्पेटेबल में किस कलर का देखने को मिलता है, तो वेरियस जो डिजीज कंडीशंस होती है तो उनके अंदर ये किस तरह का देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूड, तो उसके कलर्स एबनॉर्मलिटीज आपको पता होनी चाहिए। प्लेसेंटा की भी बात करें तो साहब प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा की भी नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो साहब हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के अंदर से एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इनको जरूर कवर करना।
और बात करेंगे साहब एपीएच और पीपीएच का मैनेजमेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा प्रश्न ही सही पर इनमें से दोनों में से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एपीएच और पीपीएच में से। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए एक दो वीडियो है जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। एक वीडियो जिसके अंदर मैंने 50 to 60 यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या करिए कवर करी है, एक वीडियो जिसके अंदर मैंने 50 to 60 यहाँ पे एंटीडोट्स कवर किए हैं, और एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ 50 to 60 यहाँ पे टेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कौन सी डिजीज कंडीशन में कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए वो टेस्ट मैंने कवर किए। तो इस तरह से वो तीन वीडियो ऐसे जिसके अंदर 150-160 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर होते हैं, तो वो तीनों वीडियो भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो जो चीजें हैं वो भी आपको कवर करनी है, वीडियो के लिए ही नहीं पर आपको पढ़ना जरूर है फ्रेंड्स। ये तीनों वीडियोज भी मैं यहाँ पे एक काम करिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, आपको वो तीनों वीडियोज भी देखने हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ इन 20-15-20 मिनट की इन तीन वीडियोज के अंदर आपके अराउंड 150 to 160 क्वेश्चंस यहां पे आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इन लास्ट डेज के अंदर लास्ट मिनट्स में आपको जरूर कवर करने हैं। अगर आपने पढ़ रखे हैं इनको तो बहुत बढ़िया, इनको रिवाइज करिए, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप इनको जरूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फर्दर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।